जो खबरों की तह तक जाए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां संपूर्ण देश की विविधताओं का संगम है और इस धरती पर सभी प्रकार के उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं। इस समय फागुन की मस्ती पूरे देश में चढ़ चुकी है और विश्व की मशहूर ब्रज की लट्ठामार होरी भी शुरू हो गई है। ब्रज मंडल में जहां मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में लट्ठमार होली खेलने का प्रचलन है, तो वहीं दुनिया की दूसरी सबसे मशहूर होली है काशी के पुराधिपति भगवान शिव के साथ बनारसियों द्वारा खेली जाने वाली रंग भरी एकादशी की होली। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे वैष्णवों में आमलकी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन शिवनगरी काशी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। यह होली भी सूखे रंगों और अबीर गुलाल से खेली जाती है। ये होली बाबा विश्वनाथ की माता गौरी के गौना बारात के समय ससुराल से घर वापसी पर खेली जाती है। 354 वर्ष पुरानी इस परंपरा के पीछे क्या तथ्य है और ये क्या होता है, आज हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में देखें। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रंग भरी एकादशी काशी में धूमधाम से मनाई गई। इस बार खास ये रहा कि पहली बार भगवान के मस्तक पर राजस्थानी टोपी सजाई गई और भगवान शिव खादी से बनी धोती और कुर्ता पहने, वहीं माता पार्वती को केसरिया बनारसी साड़ी पहनाई गई। इसके अलावा पहली बार हर्बल गुलाल का प्रयोग किया गया, जो खास मथुरा से मंगाया गया था और इसमें चंदन का चूर्ण भी मिला हुआ था। इस दिन भगवान अपने परिवार के संग पूरे काशी का भ्रमण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं भक्तों के साथ होली खेलते हैं और देवता भी स्वर्ग लोक से भगवान के ऊपर गुलाल की वर्षा करते हैं। काशी विश्वनाथ की होली इसलिए भी खास हो जाती है, यूं तो काशी में रंगों की छटा शिवरात्रि के दिन से ही शुरू हो जाती है, मगर इस दिन बाबा अपने भक्तों के साथ होली तो खेलते ही हैं। इसके साथ ही साथ पूरे वर्ष में इस दिन भगवान अपनी रजत जल प्रतिमा के साथ पूरे परिवार के साथ काशी का भ्रमण करते हैं और इस बार भी बाबा धूमधाम से और इस बार भी होली का पर्व और इस बार भी रंग भरी एकादशी का पर्व पूरे धूमधाम से काशी में मनाया गया। ये होली नहीं है, ये होली नहीं है, बाबा का जो है बहुत बड़ा रस्म है। बसंत पंचमी के दिन भगवान शंकर का तिलक हुआ था, महाशिव बाबा का विवाह हुआ था। आज भगवान भोलेनाथ अपनी भार्या माँ पार्वती को विदाई कराने जाएंगे और विदाई में भक्तगण साथ रहेंगे और होली आना मौसम होगा। होली में रंग अबीर गुलाल सब उड़ना शुरू हो जाएगा और ये 354 साल से चली आ रही परंपरा है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि इस परंपरा को नहीं तोड़ा जाएगा, सब कुछ खुलेगा। ये बाबा का जो है अचल मंदिर, अचल शिवलिंग हमारे यहाँ है और चल जो है बाबा विश्वनाथ है, अर्थात दोनों का समावेश होता है। आज बाबा के अंदर बाबा विश्वनाथ जी की प्रतिमा हमारे यहाँ से रजत की प्रतिमा के साथ जाएंगे और शिवलिंग के पर विराजमान होंगे, जिसको कि सारे भक्त वहाँ मंदिर में होली खेलेगी और आज से सूखी होली खत्म और गीली होली कल से शुरू हो जाएगी। मैं इतना जरूर कहूँगा, होली अच्छा त्यौहार है, इसको सादगी से मनाइए, इसमें गंदगी मत कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए, ऐसा रंग मत भेजिए जिससे बीमारियाँ। 354 साल से इस बार क्या विशेष तैयारियाँ की गई? तैयारियाँ नहीं, हम नहीं करते, बाबा स्वयं कराते हैं, हम तो बहुत साधारण मानव हैं। बिल्कुल, आज भक्तों का बारदा की पार्वती की होली जबरदस्त होगी, आप भी सम्मिलित होइए, मजा लीजिए। ये
अनिल कुमार केसरी, गोला दीनानाथ का निवासी हूँ और आज पहली बार मौका मिला है कि माता का गौना लेकर के पिताजी के पास तक जाना है। और बड़े हम लोग लवरेज हैं, एकदम मस्ती है। काशी की ये होली अपने आप में एक निराली है। सारे संसार में ये मना एक अद्भुत प्रकार का बनारस में मनाया जाता है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत मस्ती। बाबा की होली आपको पसंद? नहीं, हर साल आते हैं बाबा के साथ यहाँ पे होली खेलते हैं। ये अद्भुत होली, ये सारे संसार